Hello friends, welcome to Asan IAS. In the last video we have already seen the origin of dance, elements of dance and the classical dance. Now we will see the folk dance forms. With this we will complete the dance part. Chale aage. Folk dances. See, isme jyada deep mein jane ki zarurat nahi. कोई रिपीटर वगैरह नहीं होता है, बस आपको इतना याद रखना है कौन सी डांस फॉर्म कौन सी स्टेट में पॉपुलर है। बट सारे 25-30 इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है, सारे याद रखना मुश्किल होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ। कुछ डांसेस होगा हार्वेस्ट टाइम पे सेलिब्रेट करेगा, या कुछ डांस फॉर्म्स होगा या फेस्टिवल टाइम पे परफॉर्म करेगा, ऐसा करके हार्वेस्ट टाइम वाले अलग से, फेस्टिवल टाइम वाले अलग से, कोई ट्राइबल डांसेस अलग से, ऐसा करके मैं ईजी करूंगा। ओके, तो इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे। पहले आई विल स्टार्ट विद द हार्वेस्ट डांस। ये कोई मेरा पर्सनल डिविजन है, ऐसा कोई नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा कौन सी हार्वेस्ट डांस कौन सी फेस्टिवल डांस, ऐसा तो कोई नहीं पूछने वाला आपका, ऐसा देयर इज नो सच डिविजन। ये मैं खुद कर रहा हूं सो दैट थोड़ा इजी लगे आपको, दैट इज द रीजन। फर्स्ट यू रिमेंबर बांगड़ा, पंजाब का डांस फॉर्म है, यू मस्ट नो दिस ऑलरेडी। बांगड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस ऑफ पंजाब। बांगड़ा गिद्दा फ्रॉम पंजाब, जनरली वुमन परफॉर्म दिस। बांगड़ा गिद्दा फ्रॉम पंजाब, गेटिंग दिस, ये दोनों याद रखिए। देन बिहू असम का डांस है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, बिहू फ्रॉम असम। ओके, बांगड़ा गिद्दा फ्रॉम पंजाब, बिहू फ्रॉम असम, ये तीनों याद रखिए। वंगला, वंगला भी इंपॉर्टेंट डांस है, दिस इज सेलिब्रेटेड बाय आर दिस इज परफॉर्म्ड बाय ग्यारो ट्राइब। ग्यारो हिल्स, यू नो, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी में, ग्यारो काशी जेंटिया हिल्स। सो ग्यारो ट्राइब लिव्स देयर असम मेघालय में, एंड दे परफॉर्म दिस वंगला डांस रिलेटेड टू हार्वेस्ट। सो वंगला डांस याद रखिए, ग्यारो ट्राइब असम मेघालय। ओके, नो नीड टू अंडरस्टैंड, सी डीप, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं लिखा था, जस्ट पाज करके आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इतना जानो, ग्यारो ट्राइब वंगला डांस, दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट कर्मा डांस, कर्मा डांस बाइगास, इन सारे ट्राइब्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये ट्राइब्स का है ना, मैंने अलग टॉपिक बनाया है, मिसलिनियस में पढ़ेंगे, सो वहां डिटेल में देखेंगे, अभी इतना याद रखो कर्मा डांस है, एक डांस फॉर्म है ये बाइगास गोंड्स, वे सेंट्रल इंडिया में रहता है, बाइगास गोंड्स वरांस वे परफॉर्म करता है, बाइगास गोंड्स छत्तीसगढ़ एरिया में होता है, वरांस मध्य प्रदेश में होता है। सो ट्राइब्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। दे सेलिब्रेट दिस एज फर्टिलिटी कल्ट, दैट मीन्स रिलेटेड टू हार्वेस्ट, दे सेलिब्रेट दिस डांस कर्मा डांस, getting me? So the Karma dance is directly associated with the fertility cult and Karma festival, popular with the Gonds and Baigas of Chhattisgarh and the Varans of Western Madhya Pradesh. Hope you understand. So Karma याद रखे। Next Gaur, ये MPPSC में बहुत बार पूछा है, Gaur dance, ये MP में एक tribe है Marias, they celebrate this Gaur. So ये dance क्या है, this is actually this symbols symbolizes the hunting spirit of these tribes. ये हंटिंग स्पिरिट को करता है, फेरोशियस बिशंस। सो मरिया ट्राइब मध्य प्रदेश का गौर डांस परफॉर्म करता है, सो ये माइंड में रखिए, गौर मध्य प्रदेश का डांस फॉर्म। देन वी मूव ऑन टू फेस्टिवल डांस, फेस्टिवल टाइम पे बात करें, एक राउफ माइंड में रखे, राउफ इज सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी वुमन एट द टाइम ऑफ रमजान टाइम पे सेलिब्रेट करता है। ओके, सो राउफ, गेटिंग, आर ओ यू एफ। देन वी हैव बैम्बू डांस, मिजोरम का, बैम्बू स्टिक्स होता है, बीच में इधर उधर जंप करते डांस करेगा, बैम्बू डांस मिजोरम। देर आर मेनी फेस्टिवल्स लाइक इफ यू सी चपचार कूट, ये फेस्टिवल्स के लिए भी मैं अलग टॉपिक बनाया है, वे भी हम मिस्ट्रीनेस में पढ़ेंगे। सो फेस्टिवल्स टॉपिक अलग है, ट्राइब्स अलग है, फिलॉसफी अलग है, हर चीज पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझो, बैम्बू डांस मिजोरम का डांस फॉर्म, मिजोरम में ज्यादा परफॉर्म करता है बस, और इतना भी डीप में नहीं पूछेगा, मिजोरम मणिपुर ऐसा भी कंफ्यूज नहीं करेगा। बैम्बू डांस व्हाट इज बैम, यू नो, बैम्बू डांस में ही डांस पता चल रहा है तो ये नहीं पूछेगा, ये डांस है या म्यूजिक है, बट ये पूछ सकता है बैम्बू डांस नॉर्थ ईस्ट का है या सदर्न इंडिया है या नॉर्थन इंडिया है सेंट्रल इंडिया है, इतना ब्रॉड नेचर में आता है क्वेश्चन, सो माइंड में रखिए मिजोरम। देन गरबा, वेरी इंपॉर्टेंट, गरबा डांस गुजरात का डांस है, इवन इफ यू सी नवरात्र टाइम पे एक दिल्ली में भी प्रमोशन चलता है, ये होर्डिंग्स वगैरह लगाता है गुजरात टूरिज्म वाला, सो गुजरात आए ये गरबा डांस देखिए ऐसा करके, सो गरबा गुजरात का डांस है।
Similarly, you have Dandiyaras. Dandiyaras, Gujarat ka hai. Getting? Just important, yaad rakhe. Names yaad rakhe. Okay. Next, if you see Padayani. Padayani is performed in Kerala. Padayani is a dance performed in honor of Bhadrakali. ये बागवती करके टेम्पल्स में परफॉर्म करता है केरला में इन हॉनर ऑफ भद्रकाली. सो इट इज ए काइंड ऑफ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन केरला बागवती टेम्पल्स. बट इतना डीप में कौन सी टेम्पल्स में परफॉर्म करता है वगैरह तो आपको जरूरत नहीं. पादयानी इज सेलिब्रेटेड इन इज ए डांस रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन केरला. इतना लाइन आपको माइंड में होता है तो बहुत है. ओके. नेक्स्ट इफ यू सी कावड़ी अट्टम. Attam means play or dance, you know. Kavadi, you know. So, Kavadi Attam is also a kind of, you know, temple performance done in Kerala. It is celebrated in Subramanya temples. Subramanya temples may celebrate karta. It is a kind of offering to Lord Subramanya in Kerala. Subramanya, you know, Shivaji ka beta, Vinay Ganesh ki brother. Okay. So, unki temples may celebrate karta hai. Then you have Kolatam. Kolatam, Kol means stick, Atam means play, stick play, just like Dandiyaras. It is celebrated hota hai Tamil Nadu and Andhra mein. Tamil Nadu and Andhra Pradesh, Kolatam. Ye mind mein rakhe. Next, if you see Kummi, jaisa Makar Sankranti hota hai Tamil mein, like you can say Pongal mein, time pe woman, you know, ye rangoli banata hai aur uske samne ghoomte celebrate karta hai, perform karta hai. Kummi dance. Getting me? Tamil Nadu. Next, if you see UNESCO recognized, like which dance forms ko intangible heritage mein UNESCO has identified, we will see those. Total aaj tak India se 12 elements ko UNESCO intangible heritage mein include kiya hai. Usme kuch festivals bhi hai, kuch aur like you know chanting, different cheez honge. Usme hum sirf dance forms yahan dekhenge. One thing is chaav. Chaav is celebrated or performed in Eastern India, mostly West Bengal, Northern Odisha and Jharkhand areas. Chaav is a kind of tribal martial dance. Getting what I mean? So, Chaav. So, it is UNESCO list of intangible cultural heritage mein include kiya hai 2010 mein. Year yaad rakhne ki jarurat nahi, waisa bata raha hu. And if you see, Chaav dance is a tradition from Eastern India that enacts episodes from epics including the Mahabharata and Ramayana, local folklore and abstract themes. Isme teen distinct styles hota hai. They came from different regions like Saraikela, Saraulia and Mayurbhanj, etc. Different areas hai. So, yaha se aata hai Chaav. Getting? Ab paaj karke dekhiye. Similarly, if you see, it is performed at night in open space where, you know, reed pipes, mohuri bolte, or shehnai. Ye saare hum waha padhenge musical instruments mein. Ye kind of flute jaisa sound deta hai, wind instruments hai. Similarly, drum beats. So, iske beech mein celebrate hota hai, bahut hi different hota hai. Okay? So, Chaav. Now, you understand Manipuri Sankirtan. Singing, ritual singing, drumming and dancing of Manipur. Ye bhi famous hai, it is also included in UNESCO in 2013. Isme kya hota hai? Sankirtan hota hai. Means they narrate the deeds and stories of Lord Krishna. Lord Krishna ka stories bol rahe hai, Sankirtan. Then do drummers hota hai, drumming bhi hota hai. Then 10 log surrounding dance bhi karte rehte hai. Drumming, dancing, singing. Means deeds ko, Krishna stories ko sing karta hai. So, ritual singing, drumming, dancing. Kya sing karta hai? Krishna ka stories. So, this is Sankirtan, Manipuri Sankirtan. This is also included into UNESCO's intangible heritage in 2013. You understand this? Next, you see Kalbelia, folk dances and folk songs and dances. Ye Rajasthan ka hai, it's a kind of snake dance. So, Kalbelia, a kind of, you know, community hai. What they do? They do kind of snake dance. Jo men hai, they use that kanjari, bolte hai usko. It's a kind of percussion instrument and they use all these kind of things and similarly, they have Nadaswaram type. So, usse ve sound produce karte hai and they do this kind of dance. Bas itna word yaad rakhe, Kalbelia dance. Rajasthan ka hai.
अदरवाइज पाज करके आप पढ़ सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वी हैव मुड़ियट्टू. मुड़ियट्टू एक ट्रेडिशनल यू कैन से थिएटर परफॉर्मेंस है जो इन केरला में होता है. इट इज ए रिचुअल डांस डांस ड्रामा रिचुअल डांस ड्रामा परफॉर्म्ड इन केरला. इट इज बेस्ड ऑन लाइक यू नो इन हॉनर ऑफ गॉडेस काली. इट इज ए स्टोरी ऑफ काली एंड डेमन दारिका. कैसा काली ने दारिका को मारा. सो इस चीजों पे होता है. ओके सो इट इज ए बैटल बिटवीन द गॉडेस काली एंड द डेमन दारिका. ये सब इतना डिटेल में नहीं कहे भाई. सो मुड़ियट्टू केरला. इफ यू सी दिस क्या होता है जो गॉडेस काली का रंगोली जैसा फ्लोर पे बनाता है और उनके सामने अज्यूम करता है गॉडेस का स्पिरिट उसमें आया. देन दे परफॉर्म दिस इन फ्रंट ऑफ दैट. गेटिंग मी. सो दिस इज व्हाट ऑल दिस जनरली परफॉर्म होता है. देर आर मेनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला. इफ यू सी पेरियार लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ केरला रिवर ऑफ केरला. ज्योग्राफी ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ाऊंगा. सिमिलरली चलक्कुडी पूजा भरत पूजा मुवत्तु पूजा दीज आर ऑल सम रिवर्स. नो नीड टू रिमेंबर. उन रिवर्स की जो आसपास विलेजेस होता है वहां ज्यादा सेलिब्रेट होता है ये सारे. बट ये कहां सेलिब्रेट होता आपको जरूरत नहीं. इतना माइंड में रखो केरला का है ये जो गॉडेस काली की हॉनर में सेलिब्रेट करता है एंड मुड़ियट्टू नाम है बस यूनेस्को में इंक्लूडेड है. इससे आपका काम हो जाएगा एग्जाम में. गेटिंग. देन वी सी सम ट्राइबल आर कम्युनिटी डांसेस. इफ यू सी देर इज ए वट्टल ट्राइब इन J&K. दे सेलिब्रेट दुमल. दे परफॉर्म दुमल डांस. वट्टल ट्राइब J&K का दुमल डांस. सो ट्राइब्स भी दोबारा पढ़ेंगे. यू सी अब डांस दुमल डांस इज इंपॉर्टेंट. कौन सेलिब्रेट करेगा वट्टल ट्राइब. जब मैं ट्राइब्स पढ़ाऊंगा वहां वट्टल ट्राइब के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा दे सेलिब्रेट दुमल डांस. सारे इंटरलिंक्ड है. आप समझ रहे हैं ना. सो डोंट वरी अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कुछ दिन के बाद खुद ही समझ में आएगा. सो वट्टल ट्राइब दुमल डांस. सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट बुटिया ट्राइब सिक्किम में रहता है. दे सेलिब्रेट बुटिया डांस. बुटिया डांस परफॉर्म्ड बाय बुटिया ट्राइब ऑफ सिक्किम. दे परफॉर्म्ड इट इन हैप्पी ओकेशंस. ओके मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट यू नो दे सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स एंड मेनी थिंग्स इन हैप्पी ओकेशंस एंड सिमिलरली फॉर द पीस ऑफ ऑल. सारे पीसफुल रहने के लिए सेलिब्रेट करता है. सो बुटिया. सिमिलरली लेपचा. लेपचा डांस इज परफॉर्म्ड बाय लेपचा ट्राइब ऑफ सिक्किम. This is actually a kind of romantic dance. Through this, they explain the love story of a young boy and a girl. So, Lepcha dance performed by Lepcha tribe. Again from Sikkim. Getting? Important. Next, again important, Santal. Santal dance celebrated by Santal tribe. Santal tribe is important. Even modern history may be padenge, Santal uprisings and all. So, Santal tribe, they celebrate Santal dance. Even Santali language bhi hai. The constitution of India ka recognized. Okay. Similarly, Santal music bhi hai. So, very well. We sare right time pe padhenge. Abhi itna samajho. Santal dance, Santal tribe perform karta hai. Generally, they live in Eastern India. West Bengal, Jharkhand, Odisha again, same. Part of Assam. Wow. And iske through kya hai? They create awareness about various social issues. इस डांस के थ्रू क्या करता है वे सांतल ट्राइब. वे लैंड राइट्स के बारे में ऐसे चीजों पे है ना. दे क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल. वेरियस सोसाइटल इश्यूज पे वे अवेयरनेस क्रिएट करता है. ओके सांतल डांस पे. नेक्स्ट विल सी दिमसा डांस. दिमसा डांस आर सेलिब्रेटेड बाय वेरियस फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑफ ईस्टर्न गार्ड्स. जनरली ओडिशा आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश वे जो बॉर्डर्स है छत्तीसगढ़ वहां रहता है वे सेलिब्रेट करता है दिमसा डांस. दिमसा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लीव इट. गेटिंग मी. है ना. नेक्स्ट यू सी दिस इज इंपॉर्टेंट कोहली. कोहली नहीं कोहली. कोहली डांस. कोहली एक कम्युनिटी का नाम है फिशिंग कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में वे नॉर्थन महाराष्ट्र ऑलमोस्ट महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर में रहता है. वहां एक कम्युनिटी है फिशिंग कम्युनिटी फिशरमैन. देर कम्युनिटी नेम इज कोहली कम्युनिटी. दे सेलिब्रेट दिस दे परफॉर्म दिस डांस कोहली डांस. गेटिंग मी. कोहली डांस बाय कोहली कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र फिशिंग कम्युनिटी. इतना माइंड में रखें. नेक्स्ट चकियार कूतू. ऑलरेडी हम देखा याद है आपको कथाकली का ऑरिजिन में चकियार कूतू इज वन ऑफ देम. चकियार कूतू. सो चकियार इज ए कम्युनिटी. दे डू दिस कूतू मीन्स प्ले. सो चकियार कूतू बाय इन केरला. गेटिंग. चकियार कूतू
Next, if you see some other dance forms, हम देखेंगे, not very important, भाई साहब. One is हिकत, J&K में. Simple, दो लड़कियां हाथ हाथ पकड़ो और घूमो. देख रहे हैं ना? So हिकत, J&K में. Two angles hold each other's hands and you know they just fill. Similarly, Cholia, dance of UK, Uttarakhand. वहाँ क्या है फिस्ट मैरिज टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट सुनो और भूल जाओ छोलिया डांस ओके सिमिलरली यू सी सम्मी दिस इज यू कीप इन माइंड सम्मी डांस इज सेलिब्रेटेड बाय पंजाबी वुमेन जो पॉट्स वगैरह होता है तो सम्मी सेलिब्रेटेड इन पंजाब गेटिंग मी परफॉर्म्ड बाय पंजाबी वुमेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जूमर पंजाब में सेलिब्रेट होता है जूमर Actually, it has originated in a place Sandalwood in Pakistan present day, and but Punjab mein bhi hota hai. Not very important. Just leave it. Jhumar. Getting me? Similarly, Damal, Punjab mein hota hai. Not very important. Don't take worry. Damal. Similar to Bhangra. This is important. Lavani. Lavani dance of Maharashtra. Maharashtra women do this. Lavani. This is important. So Lavani, traditional song and dance ka combination hai. Okay. So Lavani yaad rakhe, Maharashtra ka. Getting me? So next, Uttam Tulal. This is important from Kerala. Uttam Tulal. Kerala ka dance hai. Uttam Tulal. So it is an art form of Kerala. In Uttam Tulal, a solo performer with green makeup and a colorful costume decorated with a long red and white band and painted wooden ornaments acts and dances while reciting dance. Tulal means lyrics. Okay, Uttam Tulal. Solo performance hai. Kerala ka. Hope you understand. These are all important folk dances. Now let me summarize. First we have seen folk means lokdharmi, nati dharmi means classical. Harvest time ka dance forms kya dekha humne? Bhangra dekha Punjab ka. Then we have seen Gidda Punjab ka. Then Bihu dekha Assam ka. Then we have seen Vangala, Garo tribe, Assam and Meghalaya. Central part mein jayenge to we have seen Gaur, Madhya Pradesh ka Maria tribe, important. Then we have seen Karma dance, Baigas, Gonds, Chhattisgarh mein hota hai, similarly Varans, MP mein hota hai, they celebrate this. Karma, Karma festival bhi hota hai, fertility festival. So, Karma dance. Then we have seen festival time dances. We have seen Raus from J&K, Kashmir people celebrate it in Ramjan time. Then we have seen Garba, Gujarat mein celebrate hota hai. Similarly, Dandiya Ras dekha humne Gujarat ka. Then we have seen bamboo dance, Mizoram ka. Then we have seen Padayani, Kerala ka. Ye kya hai? Temple mein celebrate karta hai, Kali. Similarly, we have seen Kavadiattam, Kerala ka. Subramanya temples. Kavadiattam. Then Kummi, Tamil Nadu. We have seen Kolatam, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. These are some important from South India. Then if you see UNESCO recognized Kalbelia, Rajasthan ka snake dance. Then you have seen Chav dance, martial dance hai, tribal dance. West Bengal, Jharkhand and Odisha, Eastern India ka. Then Manipuri Sankirtan. A Sankirtan, ritual singing, drumming and dancing. Okay, Manipur ka. Then we have seen Mudiyattu. ये जो भागवती टेम्पल्स में होता है गॉडेस काली एग्रेस्ट कौन था दारिका डेमन दारिका ओके मुड़ियट्टू यूनेस्को रिकॉग्नाइज देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट फॉर्म ट्राइबल एंड कम्युनिटी डांसेस इसमें क्या देखा राउस देखा राउस नहीं धमाल क्या है ये दुमहल सॉरी दुमहल सेलिब्रेटेड परफॉर्म्ड बाय वट्टल ट्राइब ऑफ J&K देन यू हैव सीन सांतल सांतल ट्राइब Then you have seen Bhutia, Sikkim ka, this is important, Bhutia tribe. Then you have seen Lepcha tribe ka, Lepcha dance. Then you have seen Koli, fishing community, Koli dance, Maharashtra ka. Then you have seen Chakyar Kutu, Chakyar community, Kerala ka. Then you have seen Dimsa, different communities of this Eastern Ghats, Odisha, Chhattisgarh, AP, part of Telangana, MP bhi aata hai. Then you have seen some other dances like Hikat from J&K.
Cholia from Uttarakhand. You have seen Sammi from Punjab. Damal from Punjab. Jumar from Punjab. These are not very important. Then you have seen Lavani from Maharashtra. This is important. Then you have seen Uttam Tulal from Kerala. Important. It is a monologue, solo performance. So these are all some folk dances. Now with this we have done classical dances, origin of dance, elements of dance, folk dance. The complete dance is done. Ab do teen baar isko dekhenge to perfect ban jaoge. So most of the things I have covered. Hope you enjoyed, and this is very easy, and hope you have understood also. Right? Thank you very much. Okay, bye. Next video we milenge.